कुरान कहता है अपने आप को और अपनी अहलो आयाल को, घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कैसे बचा सकते? उस बचाने का एक ही रास्ता है, तालीम। तालीम, उसके बगैर तो नहीं बचते। और तालीम भी, स्कूल की भी तालीम दो आप, ऐसा नहीं कॉलेज की भी तालीम दो आप, दीन की भी तालीम दो। तो चार चीज़ें हैं ज़रूरी, उसको रिसाले वाले गौर से सुनना, और रिसाले में अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, यहाँ इंतज़ाम हो जाता। सबसे पहली चीज़, अपने बच्चों के लिए इस्लामी स्कूल चुनना। इस्लामी स्कूल, ये मिशनरी स्कूल हैं, ये फलां स्कूल हैं, ये ढिका स्कूल हैं, यहाँ तालीम तो मिलेगी, ईमान हाथ से निकल जाएगा। तुम्हारी पहली फिक्र ईमान बचाना है अपनी औलाद का, नस्लों का। तालीम तो मिल जाती, कहीं भी मिलती, कौन से भी स्कूल में डाल दो उन्हें, ए बी सी डी, कुत्ता बिल्ली सो पढ़ लेता उन्हें, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप बड़े फ्यूचर की फिक्र इस वक्त करो औलाद के लिए, कि एक इस्लामी स्कूल बस्ती में कायम करो। अल्लाह का दिया बहुत है आपके पास, जो स्कूल माहौल इस्लामी दे, तालीम दुनिया भी दे उन्हें, उन्हें इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, प्रोफेसर बनाए, लॉयर बन, जो बनाता है बनाए, लेकिन उस स्कूल की तरबियत इस्लामी हो, माहौल इस्लामी हो। इसलिए कि तालीम के साथ तरबियत जुड़ी हुई है, और दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक ही नहीं है। स्कूलों से बच्चों में तालीम तो आती है, तरबियत नहीं आती है। तरबियत के लिए इस्लामी माहौल चाहिए, अखलाक और कैरेक्टर बनाने के लिए इस्लामी माहौल चाहिए, दीन की फिक्र चाहिए। तो सबसे पहले अपने बच्चों के लिए सेपरेट इस्लामी स्कूल कायम किया जाए, और दूसरी तरफ बच्चियों के लिए अलग इस्लामी स्कूल हो, जहां मुकम्मल दीनी माहौल और पर्दे के साथ दुनिया की तालीम दी जाए। दो चीजें। और तीसरी चीज, आपकी बस्ती के हर 20-25 घर के बाद एक मकतब हो बच्चों के लिए, एक मकतब। यानी मुल साहब है हमारी बस्ती में इशातुल कुरान, बिल्कुल है, बोले हाँ आता है, 1 किलोमीटर से तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी बच्ची नहीं, एक नहीं, मैं इन लोगों से बोलूंगा फिकर करो हर 25-30 घर के बाद एक मकतब हो। इसलिए कि ये बुनियाद है, ये फाउंडेशन है, ये ईमान के बचाने का एक रास्ता है। मदरसे बड़े बड़े नहीं खोलो आप, मकतब 8 घर 10 घर की भी अगर बस्ती है, मकतब लाजिम है बच्चों के दीन की हिफाजत के लिए, नस्लों के ईमान और अकीदे को बचाने के लिए मकतब होना है। लिहाजा रिसाला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बस्ती है आपकी, ये 1-2 मकतब से काम नहीं चलेगा। हर गली के नुक आखिर में एक मकतब आपकी जिम्मेदारी है, बस्ती वालों आपकी जिम्मेदारी है, और मिल्लत के लिए खर्च करना दीन के नाम पर यह भी आपकी जिम्मेदारी है। लिहाजा मकतब कायम हो। दूसरे, अपने बच्चों को मदरसों से जोड़ो, मकतब में पढ़ाओ, मदरसों से जोड़ो, मस्जिदों से जोड़ो, मौलवियों से जोड़ो। मैं मुसलमान 1 मीम वाले को 3 मीम से, हमारे शाह साहब दामत बरकातुम फरमाते हैं कि ये 1 मीम वाले को हमेशा 3 मीमों से जुड़ के रहना कहते, तो उन्हें फिर सही जिंदगी गुजारता, एक आध मीम से कटा तो गया उन्हें। 1 मीम वाला मुसलमान 3 मीमों से मिलके रहना। नंबर 1, मौलवियों से, बोला तो गली में से आ रहे हैं मुल साहब, बोला तो इन्हें दूसरी गली में से निकल जाता है, आ रहे हैं अल्लाह मियाँ की फौज कर। जमात वाले आए तो कैसा, गश्त में निकले तो हल्लो पतली गली से निकल जा रहा हूं, अल्लाह की फौज आ रही कहते। तो फरमाते हैं कि 1 मीम मौलवियों से जुड़ के रहना, तुम्हारे को रास्ता सही मिलेगा। दूसरे, मदरसों से जुड़ के रहना, और तीसरे, मस्जिदों से जुड़ के रहना। क्यों? कुरान के 18वें पारे में है, अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान का नूर ये अल्लाह ही का अता करदा है। ये जो रोशनी है घरों में ईमान की, ये अल्लाह का नूर है, ये अल्लाह का नूर है। जिस घर में दीन जिंदा है उस घर में रोशनी है, अल्लाह का नूर है, और जिस घर में दीन जिंदा नहीं है उस घर में लाख लाइटों के बावजूद भी अल्लाह के नूर की रोशनी नहीं है, अंधेरा है।
और ये नूर मिलता कहां से? ये जो घरों में नूर आना है ये मिलेगा कहां से? इसी आयत के आगे अल्लाह ने फरमाया ये नूर कहां मिलेगा? फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़्करा फीहा इस्मुहु। ये नूर कहां से मिलेगा जो घरों में आएगा? ये नूर मस्जिदों से मिलेगा। इसका तार मस्जिदों से जाके जुड़ता है, तो जिस घर का तार मस्जिद से जुड़ा होता है वो घर कभी भी तारीक और अंधेरे वाला नहीं। कयामत तक उस घर में रोशनी होती है, आबादी होती है, अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। और जो तार मस्जिद से कटा, किसी और जगह से मिला, अल्लाह की कसम जीते जी वो घर कब्रस्तान लगता है, वीराना लगता है। लिहाजा अपने आप को मस्जिदों से जोड़ो। जब तुम जोड़ोगे तो तुम्हारी नस्लें नमाजी बनेंगी, तुम्हारी नस्लें अल्लाह के फरमा बरदार बनेंगी। और अगर तुम मस्जिदों से कट गए तो नस्लें बेदीन हो जाएंगी, गुमराह हो जाएंगी। लिहाजा कुरान की ये एक आयत पर हमेशा गौर करो, अपने आप को और घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। और बचाने के लिए बस्ती में थोड़ी थोड़ी देर दूर पर मकतब, बुनियादी तालीम आपके बच्चे को मिले, वो मोमिन बने, तो इंशाल्लाह दुनिया के किसी भी स्कूल में जाएगा उस माहौल को उसका जहन कबूल नहीं करेगा। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इल्मु फिस्सिगरी कन्नक्सी फिल हजर। बचपन में जो इल्म उसके दिल में बिठा दिया जाता है, जो सिखा दिया जाता है, वो पत्थर के निशान की तरह पायदार होता है, फिर मरने तक वो निशान मिटता नहीं है। अपने बच्चों के दुनियावी तालीम से पहले उनके ईमान की फिक्र करो, उनके दीनी तालीम और तरबियत की फिक्र करके तुम किसी और किसी भी स्कूल यूनिवर्सिटी में भेजो, इंशाल्लाह उसका अकीदा उसका यकीन मजबूत रहेगा। वरना फिर अगर तुम बेगाने रहे और अपनी औलाद के दीन की फिक्र नहीं करे, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वो वाकया मैं सुनाया था मस्जिद में कि एक प्रोफेसर की एक जमात अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में गई। वहां गई तो वहां पर बड़े बड़े स्टूडेंट्स, बच्चियां बच्चे डिग्रियां हासिल कर रही, कोई बीएससी में है तो कोई फला में है, कोई फला आला डिग्री वाले, वहां पर क्वेजी नर्सरी वाले तो है नहीं। लिहाजा वो लोग एक क्लास में गए, बच्चियां बच्चे बैठे हुए थे, तो एक नौजवान बच्ची, देखो तुम जिसके लिए लाखों रुपए खर्चा कर रही, जरूरत पड़ी तो घर बेच के किराए का घर ले ले रही, क्योंकि इसका फ्यूचर बनना, मुल साहब इसका फ्यूचर बनना, दीन आया नहीं आया नहीं मालूम, फ्यूचर बनना है उसका। लिहाजा उसको लाखों रुपए खर्चा करे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराए, अब उन्हें हाई क्लास में डिग्री की क्लास में वो नौजवान बच्ची पढ़ रही। एक प्रोफेसर साहब उससे पूछे उस बच्ची से, व्हाट इज योर प्रॉफिट नेम? तेलुगु बोलना था नहीं मैं क्या है कि नहीं, रिसाले वाले इंग्लिश बेहतरीन बोलते हैं। व्हाट इज़ योर प्रॉफिट नेम? आपके पैगंबर आपके नबी का नाम क्या है? मुसलमानों रिसाले वाले सुनो, वो 18-20 साल की नौजवान बच्ची जो केजी से लेकर डिग्री तक आ गई है, उन्हें जवाब दे रही, आई डोंट नो सर, सर मुझे नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम साहब? हमारे अम्मा बाबा नहीं समझे तो हम क्या समझेंगे? हमारे बाबा नहीं पढ़ाए मुल साहब, नहीं समझाए हमारे को। हम 2.5-3 साल के थे तो हमारे को ड्रेस पिना को बस्ता लगा को स्कूल को भेजे, वहाँ जाते हम CAT कैट DOG डाक पढ़े, आज वही हालत में प्रैक्टिकल ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम कुत्ते बिल्ली बन के। लिहाजा वो तालीम देव जरूरी है दुनिया की तरक्की के लिए, लेकिन उससे पहले उसको मोमिन बना दो, उसकी जबान पर कलमा आ जाए, अल्लाह की बड़ाई उसके दिल में बैठे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और आपके मुबारक तरीके उसकी जिंदगी में बचपन से आ जाएं।